हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। कोमल्स किचन में बनने वाला है गाजर का हलवा। बिना झंझट के ना किसना ना काटना, बस छील के फटाफट बना सकते हैं आप अपने किचन में गाजर का हलवा। पूरी ठंड में गाजर के हलवे के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे ही ठंड की सीज़न आती है, गाजर आए और हलवा ना खाएँ, मज़ा ही नहीं आता है। झटपट बनने वाला ये गाजर का हलवा आज कोमल्स किचन में बनने वाला है। मैंने यहाँ 500 ग्राम गाजर ली है। मात्र 500 ग्राम गाजर में ढेर सारा हलवा बनके अपना तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ बड़ी बड़ी साइज़ की 3 गाजर ली है, जिसे छील के मैंने टुकड़ों में काट दिया है। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर को काट लिया है। आज हम बिना झंझट के गाजर का हलवा बनाएंगे, जो 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। जब भी खाने का मन हो, झटपट बनाए इसी तरीके से गाजर का हलवा। मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। कुकर में मैं 1 बड़ा चम्मच घी डालूंगी। आप तेल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने 1 चम्मच बड़ा घी डाल दिया है। अब इसमें कटी हुई हमें गाजर डाल देना है। हमें गाजर को किसना नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के झट से हम गाजर का हलवा बना के तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने इसे काट के तैयार कर लिया है। अब हमें कंटिन्यू इसे भूनना है। भूनने से गाजर का हलवा बहुत अच्छी और लाजवाब सा बनता है और झटपट भी बनता है। आप देख रहे हैं, इसे ज़्यादा झंझट से हमने नहीं बनाया है। और मैंने 1 से 2 मिनट मात्र से भून लिया है। अब हम इसे सीटी लगा के छोड़ देंगे। मैंने इसमें 2 सीटी लगाई है। सीटी लगाने के बाद जब तक इसकी विसल निकल नहीं जाती है, तब तक हम इसे छोड़ देना है। इसकी हवा नहीं निकालेंगे, नहीं तो हमारे गाजर का हलवा कच्चा रह जाएगा। अब हमारे कुकर ठंडा हो चुका है और मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि हमारी कितनी गाजर सॉफ्ट होके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे गाजर का कलर चेंज हो गया और कितनी सॉफ्ट हो गई है। आप स्पैचुला के सहारे से इसे मसल सकते हैं। चाहे तो आप इसे घोटनी से भी घोट सकते हैं और स्पैचुला से भी। जिस तरीके से आपको सहूलियत होती है, उस तरीके से हम इसे मसल सकते हैं। आप चाहें तो पाव भाजी के मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हमारी गाजर बहुत सॉफ्ट है। हमने एक स्पैचुला के सहारे से उसे अच्छे से मैश कर लिया। और आप चाहें तो देखिए, मैंने आपको पाव भाजी के मैशर से भी मैश करना बताया। दोनों ही तरीके से आप अपना मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हमारी 1/2 किलो गाजर थी तो 1/2 किलो दूध डालेंगे। आज बिना खोवे के हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। मैंने इसमें 500 ml फुल फैट दूध डाला है। आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम बिना खोवे के गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच इतनी इलायची। इलायची पाउडर ना हो तो आप इसमें खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। अब हमने इसमें डाला है 150 ग्राम शक्कर। आप मीठा तो अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शक्कर डालें, लेकिन 1/2 किलो में 150 ग्राम शक्कर सफिशियंट रहती है। ना ज़्यादा मीठा बनता है, ना ज़्यादा फीका बनता है। और मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट कटे हुए डाले हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ डालने के बाद हमें एक स्पैचुला के सहारे से इसे अच्छे से मिक्स कर देना और मीडियम आंच पर इसे छोड़ देना है। यदि आपको जल्दी में बनाना है तो आप इसके ऊपर कंटिन्यू खड़े होकर चलाते रहिए, तो भी 10 मिनट में हमारा हलवा बनके तैयार हो जाता है। मुझे और भी काम करने हैं तो मैंने इसे मीडियम आंच पे छोड़ दिया है। और हमारे देखिए हलवा गाढ़ा भी होने लगा है। और आप देखिए कितना थिक सा हमारा हलवा बनके तैयार हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि हमने इसमें ढेर सारा खोवा डाला है। यदि फुल फैट दूध डालते हैं तो हमें इसमें खोवे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आपके पास खोवा नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। दूध कम है तो आप इसकी जगह घर की रखी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। मात्र 7 मिनट में, टोटल हमारा टाइम 10 मिनट लगा। दूध डालने के बाद हमने 7 मिनट में हलवा बना के तैयार करिया और काफ़ी थिक सा हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। और आप देखिए हमारे कुकर में सारे साइड में चिपका भी नहीं है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से भून के बनाया है। हलवा भुना हुआ रहता है तो हमारे जो कुकर में तलवे में बैठता नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और क्रीमी सा हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है। इस तरह का हलवा आप अपने किचन में बनाएं और अपने कमेंट कोमल्स किचन के साथ शेयर करें। कोमल्स किचन को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है और ऊपर से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट कटे हुए ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश, मैंने इसमें कुछ पिस्ता और बादाम के साथ गार्निशिंग की है। आप चाहें तो काजू, जो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं।